वोट लालू को देना है लालू को दीजिए, नीतीश को देना है नीतीश को दीजिए। आपने हमने वोट दिया मोदी जी को कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में देश में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया गुजरात में विकास हो रहा है और बिहार के बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिजली का दशा सुधारने के लिए, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है। नमस्कार आदाब, आप सबका यहां समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है प्रशांत किशोर, हम कोई नेता नहीं है, हम विधायक सांसद नहीं है, हम मुखिया सरपंच भी नहीं है, हम बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, हमारे बाबूजी यहाँ डॉक्टर थे, यही सरकारी विद्यालयों से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। जो काम हम पहले करते थे, गांव देहात में लोग ज्यादा नहीं जानता है, लेकिन जो लोग राजनीति जानते समझते हैं, इस देश में बड़े से बड़ा नेता जब उसको चुनाव लड़ना होता है तो हमारे पास लोग आते हैं सलाह के लिए। जैसे आपके घर में कोई बीमार होता है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब आपसे 500,000 रुपया फीस लेते हैं ये दवा लिखने के लिए, सलाह देने के लिए। वैसे ही जब चुनाव में नेता हमारे पास आते हैं सलाह लेने के लिए, तो हमको उसका फीस मिलता है। फीस 500,000 रुपया नहीं है, 5 लाख 10 लाख भी नहीं है, 5 करोड़ 10 करोड़ भी नहीं है, मेरा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। इतना पैसा लेते हैं तब आपको बताते हैं कि चुनाव कैसे जीतिएगा। ये ऊपर वाले की कृपा है। बिहार के गांव के एक साधारण परिवार का लड़का और देश के बड़ा से बड़ा नेता भी उसको आकर ये पैसा देना पड़ता है, तब बताते हैं कि कैसे जीतोगे। उस काम को हमने 10 बरस किया, देश में बहुत लोगों को जिताया, लेकिन 2 बरस पहले हमने तय किया कि अब जीवन में ये काम नहीं करेंगे। अब आप पूछिएगा कि भैया इस जमाने में इतना पैसा, इतना ऐश्वर्य साथ मिलना, जिस काम से मिल रहा था उस काम को क्यों छोड़े? छोड़े इसलिए कि 10 बरस उस काम को करके अनुभव किया, नेताओं के दलों के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। हमने बहुत नेताओं के साथ काम करके देखा। आपको लगता है, हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आपके और आपके बच्चों के मुस्तकबिल में वही लिखा है जो आप अपने गांव में कर रहे हैं। इसीलिए हमने तय किया कि अगर ऊपर वाले ने हमको वो हुनर सहूर दिया है, साधन व्यवस्था दिया है, तो नेताओं और दलों को तो बहुत जिता लिए, एक बार चल के जनता का हाथ पकड़ते हैं, जनता को जिताएंगे। इसीलिए उस काम को छोड़ दिए, दल नहीं बनाए हैं, आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। हमको आपका वोट नहीं चाहिए। 14 महीना से हम पैदल चल रहे हैं, गांव गांव 4000 से गांव ज्यादा गांव चलते हुए आज आपके यहाँ पहुंचे। अभी 10-15 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे, अगर आपको समझ में आ जाए, और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था हो जाएगा। वोट चाहे जिसको देना है दीजिए, वोट चाहे जिसको देना है दीजिए। बहुत आदमी कहता है भैया वोट मांगिए नहीं रहे हैं तो बिहार सुधरेगा कैसे। आपको याद दिलाना चाहते हैं, जिस महात्मा गांधी बाबाए कौम का नाम आप रोज लेते हैं, गांधी जी ने देश को आजाद कराया, गांधी जी ने वोट लेकर देश आजाद नहीं कराया। गांधी जी आपसे वोट मांगने नहीं आए थे, गांधी जी ने समाज को जगाया,
सबको एक साथ किया। गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तब न देश आजाद हुआ। अगर वोट मांगने से गरीबी दूर होता तो पिछला 50 साल में कोई बाकी है? सबने वोट मांगा, आपने सबको देकर देख लिया। 40-45 साल आपने कांग्रेस को जिताया, 15-20 साल आपने लालू जी को मुख्यमंत्री बनाया, 18 बरिस से नीतीश कुमार यहाँ बैठे हैं, दिल्ली में लोगों ने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का किस्मत नहीं बदला। तो अब अगर प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात पर भरोसा कीजिएगा, हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करें? जीतने के बाद हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं, इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। आपको रास्ता बताएंगे क्या करने से आपके बच्चों की बदहाली खत्म हो सकती है, और भाषण नहीं देंगे, आपसे सवाल करेंगे, आप जवाब दीजिएगा, हाँ चाहे ना बोलना है हाथ उठाकर। और अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बर्बादी का कारण क्या है और कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हैं। सब आदमी को जवाब देना है, हाँ चाहे ना बोलना है, तभी बुझाएगा। आप यहाँ जितने लोग आए हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए, तालीम के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको बताना है भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको बताना है हाथ उठाकर, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ नीचे कर लीजिए। हम नहीं बोले हैं। अभी आपने देखा कि आपके गांव में जितने लोग यहां आए हैं, आप चाहे बुजुर्ग हैं या जवान, गरीब हैं या अमीर, महिला पुरुष, हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, सब ने कहा कि न भैया, पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। इसके लिए किसी नेता का दल का जरूरत नहीं है, क्योंकि हर आदमी को पता है, कोई विधायक बने, कोई मुखिया सांसद बने, अगर आपका बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पाएगा, तो उसका जीवन सुधर सकता है। तो अब आप जितने समझदार लोग यहाँ आए हैं, जरा सोच के अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया? देखिए पूरा गांव का दुर्दशा, यही आपके दुर्दशा का पहला कारण है। आप खोज रहे हैं कि कोई नेता मिल जाए, कोई रहनुमा मिल जाए, हमारा भला हो जाए। अरे आपको पता है कि यहाँ अगर पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए तो आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा, लेकिन आपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। आपको मालूम है कि यहाँ फैक्ट्री खुल जाए तो आपके बच्चों के लिए रोजगार होगा, लेकिन आपने कभी फैक्ट्री के लिए वोट नहीं दिया। तो जिस चीज के लिए आप वोट देते नहीं हैं, क्यों फिर उसके लिए गाना गाते हैं? वो कैसे आपको मिलेगा? अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया हमसे तो कोई रोजगार पढ़ाई के लिए वोटे नहीं मांगा, और अगर हम पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो किसको वोट दें? पढ़ाई रोजगार मिलेगा इसका क्या गारंटी है? बिल्कुल इसका गारंटी है, लिख कर ले लीजिए, वोट लालू को देना है लालू को दीजिए, नीतीश को देना है नीतीश को दीजिए, वोट कांग्रेस को देना है कि भाजपा को देना है, जिसको देना है दीजिए। लेकिन जो रास्ता हम बता रहे हैं, अगर ये समझ जाइएगा, तो अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिएगा तो पढ़ाई रोजगार होगा ही होगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी आपसे दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, और आपके आंख के सामने से अभी पर्दा हटेगा और आपको खुद दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। जरा आप सोच के बताइए, आपके गांव में अभी तक आपने जिसको भी, जिस दल को, नेता को वोट दिया, उस नेता ने, उस दल ने आपका और आपके बच्चों का काम किया कि नहीं किया? सबको बताना है भैया, काम आपका हुआ है कि नहीं हुआ? न
नहीं हुआ है, आप लोग कह रहे हैं नहीं हुआ है, हम नहीं बोले हैं। फिर आपके गांव की जनता कह रही भैया जिसको वोट दिए किसी ने हमारा काम नहीं किया। हम अभी गिनवाना शुरू करते हैं, अगर सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, और गलत बोले तो सब लोग ना बोलिएगा। बिहार में घर घर से, आपके गांव से भी 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी ने, लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके यहाँ के गरीब को 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिजली का दशा सुधारने के लिए, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? इसी बिहार में लोगों ने हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दिया कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, तो आपके गांव में स्कूल अस्पताल सड़क बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर, लोग कहता है कि हम सांसद विधायक को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी को वोट दिए हैं। तो सांसद विधायक 5 बरिस अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी पर, मोबाइल पर, अखबार में सुबह शाम दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे? आपने हमने वोट दिया मोदी जी को कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में देश में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया गुजरात में विकास हो रहा है और बिहार के बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को, तो बिहार में आपके बच्चे का पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे न करे, जात का बात और जात का गिनती दोनों घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला? काहे के लिए गाना गा रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं अपने घर बैठकर? अरे आप बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद के नाम पर तो बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो यहां पर फैक्ट्री कैसे लगेगा? यही बताने के लिए 14 महीना से घूम रहे हैं। वोट नहीं मांगते, आपको जाकर गांव गांव घर घर ये समझा रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में आपके बच्चों का चिंता कौन करेगा? जरा आप लोग सोच के बताइए, यहाँ जितना आदमी आए हैं, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है कि नहीं है? देखिए कैसे शाम में बैठ के सब झूठ बोल रहा है। अभी हम आपके गांव में आए हैं पैदल, अगर रास्ता में 200 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपके जितने बच्चे यहाँ रोड पर मिले, ज्यादातर बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है। आज हम दिन में जहां से चलकर आ रहे हैं, किसी विद्यालय में कोई बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है, आपको उसका कोई चिंता नहीं है। गांव में बैठ के लोगों को बिहार में भारत पाकिस्तान पुलवामा बुझा रहा है, लालू जी का लड़का कैसे जीतेगा ये समझ में आ रहा है, मोदी जी का 56 इंच का सीना दिख रहा है, मोदी को कैसे हराया जाएगा इसका गन्ना हो रहा है, लेकिन अपने बच्चों के शरीर पर कपड़ा कैसे होगा इसका समझ नहीं है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? अभी आपके गांव में आए हैं, सड़क का दशा देखिए, लोग कह रहा है हे भैया सड़क का देखिए कितना सड़क खराब है। तो सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं भैया नाली गली नहीं है, घर में पानी नहीं है, तो पानी नाली गली का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल नहीं है, अस्पताल का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आपके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है तो शिक्षा मंत्री कौन है? वो भी तेजस्वी यादव के
मंत्री है चंद्रशेखर यादव, आप कह रहे हैं कि भैया खेत में दाखिल खारिज करने में सीओ पैसा ले रहा है 10,000-15,000, तो राजस्व मंत्री कौन है? वो भी तेजस्वी यादव के आलोक में था। तो भैया अभी कल वोट होगा, तो यहाँ 8,000 जो वोट है, सब आदमी आप उछल उछल के लालटेन को वोट दबाइएगा, तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? आपको तो बंधुआ मजदूरी करना है, और आप अकेले नहीं हैं, जो मुसलमान है उसकी दशा तो बिहार में बहुत खराब है। 4,000 गांव में हम गए और रोज मन से कहते हैं, दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब बदहाल फटेहाल बिहार में मुसलमान भाई है, आपको कोई नहीं पूछने वाला है। लेकिन आपको बंधुआ मजदूरी से फुर्सत मिलेगा तब ना, अपने भी बंधुआ मजदूरी किए और अपने बच्चों से भी बंधुआ मजदूरी करा रहे हैं। आपको लालटेन के आगे कुछ नहीं दिखता, आपको लग रहा है भैया भाजपा को तो दे नहीं सकते हैं, अब हमारे पास विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है तो आपको किसने रोका था विकल्प बनाने से? विकल्प क्यों नहीं बनाया आपने? इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी आबादी, आपको विकल्प नहीं बनाना चाहिए, आपके बच्चों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। जब आप अपने लिए खड़ा ही नहीं होइएगा तो कौन आपका मदद करेगा? अभी हमको सीतामढ़ी में एक मौलाना मिले थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि प्रशांत जी, मुसलमानों की दुर्दशा भाजपा और आरजेडी के कारण नहीं है, मुसलमानों की ये दुर्दशा इसलिए है कि हमारे कौम में जो बात हमको बताई गई, हमारे पैगंबर ने जो हमें बात बताई, हम उसको भी नहीं मान रहे। उन्होंने बताया कि आपके धर्म में ये बताया गया है कि बिना सवाल किए किसी पर भरोसा मत करो, मुसलमानों ने सवाल करना ही बंद कर दिया। कोई वोट मांगने आता है तो आप कहते हैं आप हमारी चिंता मत कीजिए, हिंदू का वोट लीजिए, हम तो आपके साथ आइए हैं, हम आपसे हमारे यहाँ काम का बात करने क्यों आए हैं, हम तो आपको वोट देबे करेंगे, हम तो आपके बंधुआ मजदूर गुलाम हैं। आपके कौम में बताया गया कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता है, और मुसलमान आज जद्दोजहद नहीं करना चाहता है। आप 5 बरस बैठ के टकटकी लगाकर देख रहे हैं कौन भाजपा को हराएगा, और चुनाव के 2 दिन पहले जो आपको दिखेगा भाजपा को हराता हुआ, उसी ट्रेन में बाल बच्चा के साथ बैठ जाइएगा। ये नहीं देखिएगा कि वो अच्छा है कि खराब है, वो आपके हक का है कि नहीं है। भाजपा को हराने के नाम पर किसी भी ट्रेन में सवारी करने को आप तैयार हैं। और तीसरी बात उन्होंने बताई कि आपके कौम में ये कहा गया कि जिस कौम में लोगों को अपने रहनुमाओं की समझ ना हो, उनके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। मुसलमानों को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं है, हम पैदल चल रहे हैं, हमको कह रहा है कि भैया ये भाजपा का बी टीम है, जरा मुसलमान जो 5 बार आप नमाज पढ़ते हैं, ईमान की बात करते हैं, जरा याद कीजिए मेरे भाई, पिछले 10 साल में आपके कौम पर सबसे बड़ी संकट कब आई? आपके कौम पर सबसे बड़ा संकट तब आया जब इस देश में CANRC लागू किया गया। अगर CANRC लागू हो जाता तो यहाँ बैठा हुआ आधा आदमी सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा रहा होता। तो जरा अपने ईमान के नाम पर ईमानदारी से अपने आप से पूछिए कि इस देश में CANRC कैसे रुका? जब आपके घरों की महिलाएं धरने पर बैठी थी तब भी CANRC रुका नहीं। CANRC रुका 2 मई 2021 को, तारीख याद रखिए, 2 मई 2021 को CANRC रुका। ये रुका तब जब भाजपा को बंगाल में शिकस्त दी गई, उसके बाद से देश में CANRC का चर्चा बंद है। तो ईमान की बात करने वाले मुसलमान, जरा अपने हाथ दिल पर हाथ रखकर बताइए कि जब बंगाल में लड़ाई लगी, जब आपका कोई साथ नहीं दे रहा था, जब दीदी के अपने लोग तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाग गए, जब पूरे देश ने कहा कि कोई भाजपा को रोक नहीं सकता है बंगाल में, तो कौन रहनुमा आपका गया था मदद करने बंगाल में?
लालू यादव तेजस्वी यादव नहीं गए थे, राहुल गांधी अखिलेश यादव नहीं गए थे, आप भी नहीं गए थे, आप भी कोरोना के डर से यहाँ बैठे थे। जब कोई नहीं गया तो प्रशांत किशोर गए थे दो बरस बंगाल में, हमने खून पसीना लगाया, हमने कहा चुनाव के 6 महीना पहले कहा कि भाजपा को बंगाल में हराएंगे नहीं, 100 के नीचे अगर नहीं किया तो संन्यास ले लेंगे। हमने भाजपा को हराया, हराया नहीं 77 पर रोका। और आप कह रहे हैं कि हम हैं भाजपा का बी टीम और आप दीजिएगा हमको सर्टिफिकेट। अरे आप हमको क्या सर्टिफिकेट दीजिएगा, आपका तो अपने ठिकाना नहीं, हमको आपका वोट नहीं चाहिए। ये दम मत दिखाइए कि हम आपको वोट नहीं देंगे, हमको ऊपर वाले ने इतनी सलाहियत दी है कि हमको यहाँ चुनाव लड़ना है, जीतना कैसे है हमको उसकी समझ है। मुसलमानों के पास इसलिए आ रहे हैं कि अगर गांधी की विचारधारा को इस देश में पुनर्जीवित करना है तो बिना अकलियत के भाइयों को साथ में लिए वो विचारधारा बन नहीं सकती है। और इस देश में जो लड़ाई लड़ना आप चाहते हैं वो MY और PY से नहीं जीता जा सकता है। लोहे को लोहा काटता है। संघ की विचारधारा आधारित अगर भाजपा से लड़ना चाहते हैं तो एक ही हथियार है, इस देश में महात्मा गांधी की विचारधारा को फिर से खड़ा किया जाए। अगर नहीं कीजिएगा तो हमारी जो राजनीतिक सलाहियत है अभी शाम के समय लिख कर जा रहे हैं, सब लोग नोट कर लीजिए, चाहे जितनी ताकत लगा लीजिए आपको राजनीतिक सफलता नहीं मिलेगी। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी चुनाव होगा, जितना दम लगाना है लगा लीजिए, आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। जब तक विचारधारा आधारित नई व्यवस्था नहीं खड़ा करेंगे, अपने बच्चों को जद्दोजहद के लिए नहीं तैयार करेंगे, राजनीति में भागीदार नहीं बनेंगे, तब तक आपका भला नहीं हो सकता है। हमारे साथ चलिएगा तो भी आपका नुकसान होगा, जिसके साथ भी चलिए अगर आप अपना हक नहीं लोगे, अपने बराबरी के लिए लड़ाई नहीं लड़ोगे तो कोई आपका भला नहीं करेगा। ना कांग्रेस ने किया, ना लालू तेजस्वी करेंगे, ना प्रशांत किशोर करेंगे। अगर आपको भला अपना करना है तो अपने बच्चों को राजनीति में लाना होगा। हमारी मदद इतनी ही है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई चिंता मत कीजिए, चुनाव लड़ने की राजनीतिक सलाहियत नहीं है तो चिंता मत कीजिए, वो सारी चिंता अपने भाई अपने बेटे पर छोड़िए। लेकिन अगर आप राजनीति में आकर अपनी जगह बनाना चाहते हैं, अपने कौम की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अपने समाज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो आइए जन सुराज का हिस्सा बनिए। हम आपके पीछे अपनी पूरी ताकत शक्ति पैसा लगाएंगे और आपको जिता कर लाएंगे। हमको वोट मत दीजिए, हमको वोट मत दीजिए, वोट जाकर लालटेन को ही दीजिए, तभी आपका आंख खुलेगा। लेकिन अपने बच्चों को हमारे पास भेजिए, अपनी दुआ हमें दीजिए, अपने बच्चों को हमारे पास भेजिए, हम उनको सिखाएंगे कि राजनीति कैसे होती है, हम उसको वार्ड सदस्य मुखिया सरपंच बनाने में अपना कंधा लगाएंगे। वोट जाकर आप दीजिए लालटेन को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह आपका भ्रम है कि हम आपसे वोट मांगने आए हैं। अरे आप जिसको वोट दीजिएगा वो हारेगा। आपने वोट दिया कांग्रेस को, कांग्रेस हार गई। आपने वोट दिया लालू को, लालू खत्म हो गए। आपने वोट दिया अखिलेश को, अखिलेश खत्म हो गए। आपके वोट से कोई नहीं जीत सकता है। आप अपने वोट की चिंता अपने पास रखिए, घबराइए नहीं। मुसलमान कितना चिंता में पड़ा है, अरे भाई जन सुराज को कहीं जुड़ेंगे मेरा वोटे बट जाएगा। मेरे भाई आप 30 बरिस से तो वोट दे रहे लालटेन को, आपको क्या मिला? विकास मिला नहीं, भागीदारी मिली नहीं, और भाजपा को आप हरा पाए नहीं। लेकिन आपकी समझ है, आप सुधरने को नहीं तैयार है, वही लकीर पर चलना चाहते हैं, तो चलिए, हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आर्थिक सामाजिक जो पिछड़ापन है वो कुछ नहीं है, राजनीतिक पिछड़ापन आपके सब समस्याओं का जड़ है। आपके बच्चे राजनीति में नहीं आ रहे हैं, यही वजह है कि आप पिछड़े हैं। आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है,
क्योंकि आप अपनी आवाज खुद नहीं उठाना चाहते हैं। मुसलमानों की हक की बात कोई कर दे तो मुसलमान को भाजपा का एजेंट दिखाई देता है। हम अगर कह रहे हैं कि भैया मेरा डर दिखा के कम से कम आरजेडी वालों से अपना सड़क बनवा लो तो आपको हम भाजपा का एजेंट दिख रहे हैं तो आपके हक की बात करेगा कौन? कोई आपके हक की बात नहीं करेगा। इसीलिए हम आपको इतना ही कहने आए हैं भैया वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन जन सुराज का भय दिखाकर कम से कम अपने बच्चों के लिए ये सड़क बनवा लीजिए, अपने बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल बनवा लीजिए, अपने लिए लालटेन से कुछ भागीदारी मांग लीजिए। न मांगिएगा तो जिस बंधुआ मजदूरी करते करते 30 वर्ष में जिस बदहाली में जी रहे हैं आपके बच्चों को भी इसी बदहाली में जीना पड़ेगा। यही बात बताने आए हैं, समझ में आए तो इससे जुड़िए और न समझ में आए तो जिसका लालटेन लेकर घूम रहे हैं घूमते रहिए। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।